हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस वेल्डिंग का बेसिक। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट ऑब्टेंड फ्रॉम रेजिस्टेंस ऑफ कंटेक्ट एरिया ऑफ वर्क टू इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है, जब एक वर्क पीस से दूसरी वर्क पीस की तरफ करंट फ्लो करता है, ठीक है, जो कंटेक्ट एरिया होता है दोनों वर्क पीसेस के बिटवीन, जब कंटेक्ट एरिया से करंट फ्लो करेगा तो करंट अच्छी तरीके से फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसे हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस का नाम दिया है। इस रेजिस्टेंस की वजह से जो कंटेक्ट एरिया वाला रीजन है वो हीटअप होगा, ठीक है। जब वो हीटअप होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, तो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, बाय मीन ऑफ प्रेशर वेल्डिंग ज्वाइंट बन जाएगा, ठीक है। एंड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है, बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर हम वेल्डिंग ज्वाइंट को बना देते हैं। विदाउट यूज ऑफ फिलर मेटल वेल्डिंग ज्वाइंट इज ऑब्टेन। हम ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस फिलर मेटल यूज नहीं करते, ठीक है। अभी बात करते हैं हीट प्रोड्यूस्ड एट कंटेक्टिंग एरिया ऑफ वर्क। जो कंटेक्टिंग एरिया है दोनों वर्क पीसीस के बिटवीन, उसमें हीट जो प्रोड्यूस होती है वो किसके इक्वल होती है, क्यू इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी के। इसमें आई क्या है, आई है करंट, ठीक है, आर है रेजिस्टेंस, टी है टाइम ड्यूरिंग विच करंट फ्लोस, ठीक है, और के है कॉन्स्टेंट। थोड़ी हीट लॉस भी होगी उसके लिए, है के कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू 1 से हमेशा कम होगी, ठीक है। क्यू है कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है कंटेक्टिंग एरिया में, वो इसके इक्वल होती है, इस रिलेशन के इक्वल होती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के बारे में। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग के लिए हमारे पास एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन होती है, ठीक है। उसमें टू इलेक्ट्रोड होते हैं, एक अपर इलेक्ट्रोड होता है, एक लोअर इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। लोअर इलेक्ट्रोड फिक्स रहता है, अपर इलेक्ट्रोड वर्टिकली अप डाउन मूव करता है, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ कनेक्ट किए होते हैं। ड्यूरिंग दी प्रोसेस हम एसी सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं और डीसी सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एसी सप्लाई ज़्यादातर यूज़ की जाती है। जो इलेक्ट्रोड है उनका मटेरियल होता है कॉपर, और इलेक्ट्रोड होलो होते हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और इलेक्ट्रोड को हमने कूल करने के लिए वाटर भी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग दी प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि ओवरहीट हो जाते हैं जब हम इसे करंट प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोड को। ड्यूरिंग दी प्रोसेस इलेक्ट्रोड ओवरहीट हो जाते हैं, इसलिए हम इसे कूलिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड किया होता है। अभी बात करते हैं वर्किंग ऑफ रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग के बारे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्क पीसीस को रखेंगे लोअर इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है। उसके बाद हम अपर इलेक्ट्रोड को नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और अपर इलेक्ट्रोड वर्क पीस के साथ कंटेक्ट में आ जाएगा। अभी हमने प्रेशर अप्लाई नहीं करना अपर इलेक्ट्रोड से, सिंपली अपर इलेक्ट्रोड को वर्क पीस के साथ कंटेक्ट में लेकर आना है, ठीक है। ये था हमारा सेकंड स्टेप। उसके बाद करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो होगा, जैसे आप थर्ड डायग्राम में देख रहे हैं, करंट अपर इलेक्ट्रोड से वर्क पीस की तरफ, और वर्क पीस से दूसरे वर्क पीस की तरफ, फिर वर्क पीस से लोअर इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो हो रहा है। जब करंट एक वर्क पीस से दूसरी वर्क पीस की तरफ फ्लो होगा, जो कंटेक्ट एरिया है वर्क पीसिस में, उसमें करंट अच्छी तरीके से फ्लो नहीं कर पाएगा उस रीजन में। एक वर्क पीस से दूसरी वर्क पीस की तरफ उस कंटेक्ट एरिया में करंट अच्छी तरीके से फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, एक मेटल की लेयर मेल्ट होगी और होल रीजन हीटअप हो जाएगा। जितना रीजन इलेक्ट्रोड के साथ कंटेक्ट में है उतना हीटअप हो जाएगा, एक लेयर मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने फोर्थ स्टेप में क्या करना है, अपर इलेक्ट्रोड को नीचे की तरफ फोर्स करना है और प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एक वेल्डिंग ज्वाइंट बन जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद हमने अपर इलेक्ट्रोड को अप की तरफ मूव करना है और वर्क पीस को निकाल लेना है, ठीक है। जैसे आप थर्ड स्टेप में देख रहे हैं, हमने प्रेशर अप्लाई नहीं किया वर्क पीस पर,
तो करंट अच्छी तरीके से फ्लो नहीं कर पा रहा एक वर्क पीस से दूसरी वर्क पीस की तरफ, जिसको हमने ना दे दिया रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर हम थर्ड स्टेप में ही प्रेशर अप्लाई कर दें तो जो कंटैक्ट एरिया है उससे करंट अच्छी तरीके से फ्लो कर पाएगा, तो इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। इसलिए हम थर्ड स्टेप में प्रेशर अप्लाई नहीं करते अपर इलेक्ट्रोड से, ठीक है। सिंपली हम करंट को फ्लो होने देते हैं, जिससे कंटैक्ट एरिया में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। इस रेजिस्टेंस की वजह से फिर हीट प्रोड्यूस होती है, तो फिर हमें वेल्डिंग ज्वाइंट मिल जाता है। उसके बाद हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वेल्डिंग ज्वाइंट मिल जाता है, ठीक है। ये थी वर्किंग ऑफ रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू।